नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश। आप देख रहे हैं बरदाना एक्सप्रेस। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वार्ड क्रमांक 2 में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी हैं कीर्तिवर्धन बघेल। ये युवा चेहरा हैं जो यहां पे पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। आज इनके साथ यहां पे जनसंपर्क करने के लिए नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिंह मौजूद हैं, जिनके द्वारा यहां पे जनता से लगातार रूबरू किया जा रहा है। ये देखिए कि यहां पे कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ है, लोगों से जनसंपर्क कर रही है और ये जान रही है कि यहां पे किस तरीके के हालात हैं और क्या यहां पे मतदाताओं का कहना है। तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। सबसे पहले हम अर्चना सिंह से जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का कार्य चल रहा है और यहाँ पार्टी का जो प्रचार हो रहा है उसमें किस तरीके की बातें सामने निकल कर आई हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि यहाँ अभी जिस तरीके से आप नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, तो अब आप वार्डों में जाकर पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं, जनता की क्या बातें हैं और क्या सामने निकल रहा है? देखिए, जनता जो है उसको पूरा पता है कि अगर कोई विकास करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, आवास हो, बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है। तो जनता को भली भांति पता है कि कौन विकास करता है और किसको हमें चुनना चाहिए। और निश्चित, अभी हम वार्ड में गए थे, 2 नंबर वार्ड में कीर्तिवर्धन सिंह जी के लिए हमने प्रचार वहाँ पे किया और हमें जो वहाँ से रिजल्ट प्राप्त हुए बहुत संतोषजनक है और बाकी बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने। अर्चना जी, यहाँ पे लोग ज़्यादातर पानी को लेकर परेशान हुआ करते थे। अमृत जल परियोजना जो आई है, आपके कार्यकाल में शुभारंभ हुआ था, तो उसका कितना बेनिफिट भाजपा को मिलने वाला है? उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमने जो अभी लोगों से बातचीत करी वो बहुत संतोषजनक उनका उत्तर रहा कि हाँ, हमारी जो मांगे थी वो कई हद तक पूरी हुई हैं। और अभी कई वार्डों में तो मैं गई, मतलब मैंने जब मतदाताओं से बात करी तो बहुत छोट, क्योंकि अभी 2.5 साल से हमारे पास नगर पालिका नहीं थी, तो एक जो बुज़ुर्ग दंपति थे तो उन्होंने बताया कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे लोग नाराज़ है। जब मैंने उनसे बात करी कि आपको रोड किसने दी, तो बोले आपने दी। हमने कहा पानी किसने दिया, बोले आपने। फिर हमने कहा फिर आप नाराज़ ही, तो बोले बच्चियाँ नहीं उठी थी। तो हमने कहा आप बच्चियों को अगर रोड और पानी से, तो वो कन्विंस हो गए कि नहीं, ये मेरी थोड़ी देर की ना। तो ये देखिए, वोटर है वो सब समझता भी है, सब जानता भी है और निश्चित जब समय आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में वोट करेगा। अच्छा, एक बात और है कि अभी जिस तरीके से कांग्रेस अपना प्रचार कर रही है, उसने एक दावा बड़ा किया है कि हमारे एक वार्ड में यहाँ पे कार्यालय खोलेंगे पार्षद का, तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं कि उस तरफ मतदाता डाइवर्ट हो जाएंगे? ये तो मेरे जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वादा किया है, वो भी उनका कहना है कि मैं भी यहाँ पे वो खोलूँगा। और देखिए, वो तो सब समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे उनसे किए गए, जो हमने वादे किए हम तो अपने घोषणा पत्र के हिसाब से चले। हमने 10 साल में, हमारे पास इतना लंबा चिट्ठा है दिखाने के लिए कि हमने क्या किया, लेकिन अभी 15 महीने के कार्यकाल में जनता ने देख लिया, 4 साल के कार्यकाल में जनता ने देख लिया, तो कई जगह तो ये है वो तो भरे बैठे हैं कि आए तो ज़रा। तो इसलिए जनता बखूबी जानती है ये, और वो ये भी जानती है कि ये झूठे वादे करते हैं। 4 साल में उन्होंने बहुत वादे किए जिसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, बखूबी जानती है जनता। ये 15 मई की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो एकदम से परिवर्तन हुआ है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाता जो हैं वो भी यहाँ पे नाराज भी हैं और कुछ परिवर्तन भी चाहते हैं। तमाम चीज़ें हैं इस दौरान। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के प्रत्याशी कीर्तिवर्धन बघेल मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और उनके मुद्दे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से, कौन से वो मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और वार्ड की जो समस्या है वो कितनी दूर होने वाली है। कीर्ति, आपका स्वागत है। यही जानना चाहेंगे कि आपके मुद्दे कौन से हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? मुद्दे अभी 3.5 साल जो कोविड का टाइम रहा है, उस टाइम पे हमारे किसी भी सरकार ने यहाँ पे होल्ड नहीं था किसी का, तो उस दरमियान यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम सब आ चुकी हैं लोगों के बीच में, जिसमें से नालियों का और रोड का एक इशू है जो कि हम लोग सबसे पहले उसका निवारण करने वाले हैं। आने वाले टाइम में डेवलपमेंट का जो यहाँ पे, जैसे आज की डेट में इस पूरे 8 कॉलोनियों का ये वार्ड है, यहाँ कोई पार्क नहीं है, तो पार्क डेवलपमेंट को लेके, और बाकी यूथ जो है वो चूंकि यहाँ बस स्टैंड लगा हुआ है, तो नशा यहाँ इस एरिया में यूथ के लिए सबसे बड़ी एक कमी हो गई है। तो एक वातावरण को सुधारने के लिए भी सबसे बड़ा काम करने वाले हैं कि लोगों को एक अच्छा माहौल मिल पाए और एक अच्छा वातावरण के साथ में बच्चे यहाँ पले बढ़ें, और आने वाले टाइम में जो साफ़ सफाई को लेके जो पिछले 2.5-3 सालों से जो समस्याएँ हैं उनको भी हम लोग सबसे पहले दूर करने वाले हैं।
अच्छा, आपने देखा कोरोना काल में आपने यूथ होने के नाते काफ़ी मेहनत की है, लोगों की मदद भी की है, तो उसका कितना बेनिफिट भाजपा को और आपको मिलने वाला है? देखिए, सच्चाई है कि हमारे संगठन ने किसी स्वार्थ के साथ काम करना नहीं सिखाया है। जब कोविड का काल चल रहा था तो हम लोगों को लगा था कि हम लोग अभी युवा हैं और कर सकते हैं, तो हम लोगों ने किया था। उस दरमियान हमारी चाहे अध्यक्षा जी हों, वो भी कोविड पॉजिटिव हुई थी, मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था और हमारी टीम के काफ़ी सदस्य जो थे वो कोविड के चपेट में आए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उन कामों को करना नहीं छोड़ा था। रिजल्ट ऊपर वाला देता है साहब, तो वो मिला है, हम लोग आगे आज भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी समस्या आती है तो हमारी भाजपा, हमें हमारा संगठन यही सिखाता है कि हम लोग इसी तरीके से समाज के बीच में रहें और उनके लिए मदद करते रहें। अच्छा, आप अभी जो जिससे प्रत्याशी हैं भाजपा के, उसमें सबसे कम उम्र के नज़र आते हैं, यूथ भी हैं, तो इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, काम करने की इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, तो उसका फ़ायदा बाढ़वासियों को कैसे दिला पाएंगे? बाढ़वासियों को विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले तो भाजपा सरकार जब 10 साल रही है, हमारी भाभी साहब जब अध्यक्षा रही हैं, तो 10 साल में इतना कुछ हुआ है कि हमें विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमारे उस दरमियान जो 10 साल का कार्यकाल था, हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो उन चीज़ों का इतना विश्वास है लोगों के बीच में कि उसका समर्थन हमें मिल रहा है। साथ में आने वाले टाइम में भी उन्हें विश्वास है कि अगर एक नया युवा आदमी खड़ा होता है, कोई लड़का खड़ा होता है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक पैशनेट होकर ये काम करेगा। और अभी तक जो चीज़ें समाज को दी हैं, आने वाले टाइम में शायद हमारे साथ, चूँकि संगठन का साथ अब जुड़ गया है, आने वाले टाइम में पार्टी हमें साथ रहेगी, हमें तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको और बूस्ट के साथ काम कर पाएंगे। एक बात और है कि बाढ़ में अभी जैसे कि नगर पालिका CMO जो थे, उन्होंने एक बात कही थी, अधिकारियों ने भी कही थी कि खाली प्लॉट जो पड़े हैं उसमें कचरे का ढेर लगाएगा, कार्रवाई होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं, ये कांग्रेस की सरकार के समय का घोषणा था या फिर इसमें परिवर्तन अभी हो सकता है जब नगर पालिका चुनाव हो जाए? ये हर वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको आने वाले टाइम में हम जैसे यूथ वाले जो एक प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं वो यही है। जैसे आज आपको हम बताएं कि इन 3 वार्डों में 3 जो सफाईकर्मी हैं, सिर्फ 3 लोगों की पोस्टिंग है यहाँ पे, तो 3 लोग, बस स्टैंड का एरिया 3 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड जो कि 6 किलोमीटर का एरिया है, वो प्रैक्टिकल वे में नहीं साफ हो सकता। उसके लिए हमें लड़ना होगा कि हमारे सफाई कर्मी बढ़े, स्टाफ बढ़े, जब वो बढ़ेगा तो ये सफाई की जो समस्या है इसका अपने आप हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ युवा प्रत्याशी जिन्होंने अपने मुद्दे बताए हैं, अपना काम बताया है कि अगर ये पार्षद बनते हैं तो किस तरीके से परिवर्तन लाएंगे, क्या काम करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर अभी लगातार प्रत्याशी बाड़ों का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब तारीख आने में कुछ ही दिन बाकी है, 6 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद EVM मशीन में कैद हो जाएगा इनका भविष्य और देखना होगा कौन होगा यहाँ का पार्षद। तमाम चीज़ों को लेकर वरदान एक्सप्रेस लगातार आपको अपडेट कराता रहेगा और किस तरीके के हालात हैं, जनता क्या कहती है, तमाम चीज़ें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।